सुबह तक तो ये माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्पीकर पद पर सहमति भी बन जाएगी, लेकिन दिन बढ़ते बढ़ते ये सहमति असहमति में बदल गई और उसके बाद फिर विपक्ष की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से भी अपना उम्मीदवार उतार दिया गया। चारों विपक्ष शुरू से कह रहा था कि भाई डिप्टी स्पीकर पे आप मान जाइए तो हमें आपके स्पीकर पे मानने में कोई बुराई नहीं है, और अब तक जो है यानी पूरे 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि इतना मजबूत विपक्ष है। जब आप इतने मजबूत विपक्ष की बात भी मानने को तैयार नहीं है तो विपक्ष आपकी कौन सी बात मान ले? विपक्ष क्या आपके आगे घुटने टेक दे, भाजपा के आगे विपक्ष घुटने टेक दे? तो ऐसा तो अब होने वाला नहीं है। ये पूरे 5 साल आर पार की लड़ाई होगी और जनता के मुद्दों पे लड़ाई होगी। जनता के मुद्दों पे अगर बने रहेंगे तो हम उन्हें सकारात्मक सपोर्ट देंगे, और नहीं रहेंगे तो यकीनन संसद में अब आपको घमासान दिखेगा, जो कि अब ये इसकी शुरुआत है। अभी कल ये तो ट्रेलर है। आने वाले दिनों में भाजपा को ये देखना पड़ेगा कि अगर वो विपक्ष को सम्मान नहीं देगी और एक ऐसे आदमी को फिर स्पीकर बनाने जा रही है जो तो विवादित रहा है, इसलिए 5 साल का उनका कार्यकाल विवादों में रहा है। वो खुद एक डिक्टेटर की तरह काम करते रहे हैं, जबकि लोकसभा स्पीकर एक निष्पक्ष आदमी होना चाहिए और पूरे पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनना चाहिए। ये माना जाता है कि जो स्पीकर होता है वो न्यायप्रिय होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उसके अपने होते हैं, लेकिन ओम बिरला ने इस परंपरा का पालन नहीं किया है। जो भाजपा लोगों ने कहा वही उन्होंने किया। बताइए 146 सांसद निलंबित करके आचार वो न्याय संहिता यानी 3 विधि कानून पास करा देते हैं, क्योंकि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, वो 3 कानून पूरा विपक्ष निलंबित करके पास करा लेते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए शायद सहमति नहीं बन पाई।